वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तमाम प्रयास करने के बाद भी राज्य सरकार हम लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। अब ऐसा लगने लगा है दोस्तों कि हम लोगों को संगठित होकर के अपनी मांग जो है वो सरकार के समक्ष उठानी पड़ेगी। तमाम प्रयास किए गए, तमाम गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात और चर्चाएं इस पे की गई, उनसे अपील की गई कि वो राज्य सरकार पे कुछ ऐसा दबाव बनाएं ताकि राज्य सरकार जो है वो हमारी मांगों पर ध्यान दे और इस तरह से तुरंत ऐसा कोई जीओ पारित करे जिससे कि हम उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षाओं में बैठ सके। परंतु ये तमाम जो कोशिशें की गई हैं वो अभी तक सफल नहीं हो पाई है। कमेंट बॉक्स में बार बार कोई ये कह रहा है कि क्या हम लोग अपनी मांग उठाना बंद कर दिए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीम वर्क बिल्कुल जारी है। लोग थोड़े हताश जरूर हुए हैं परंतु हम लोग अपनी मांग को बिल्कुल बल दे रहे हैं। तमाम वो प्रयास फिर से हम लोग जारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं। दोस्तों, चूँकि हम लोगों में से कई ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ काम पे लगे हुए हैं, हालांकि उनका ध्यान उनका मन अभी भी उस प्रयास के तरफ है, पीसीएस के तरफ ही उनका रुझान है और वो चाहते हैं कि सरकार हम लोग को बिल्कुल दो अवसर प्रदान करे। तो ये दो अवसर की मांग हम लोग अभी उठाते रहेंगे और लेकर ही मानेंगे, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। आप बिल्कुल शक न करिए। बीच में कुछ व्यवधान पड़ रही है, तमाम कुछ काम ऐसे आ जा रहे हैं जिसको करना परिवार के लिए ज़रूरी पड़ रहा है, तो इसी बीच कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं थोड़ा दूर हो गया इसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों के दिल और दिमाग से पीसीएस का भूत जो है वो उतर चुका है, ऐसा नहीं है। स्केलिंग और मॉडरेशन के माध्यम से लोक सेवा आयोग ने हम पर अन्याय किया है और इसी के लिए हम लोग राज्य सरकार के तरफ रुख करते हैं। जो हमारी चुनी हुई सरकार है और हमें उम्मीद है कि वो हमें अंततः दो अवसर अवश्य प्रदान करेगी। दोस्तों, इसके लिए हम लोगों को मिल करके संगठित होकर प्रयास करना पड़ेगा। जल्द ही कुछ ऐसी रूपरेखा हम लोग तैयार करेंगे जिसके आधार पर हम सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो हमें दो अवसर प्रदान करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।